नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूँ अंजलि राठौर। हम लोग लगातार चर्चाएं बनाए हुए हैं और सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे वो तमाम चेहरे हमारे साथ चर्चाओं में मौजूद रह चुके हैं और उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं गेंदलाल हरीन खेड़े जी, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के। तो इनसे आज हम चर्चा का दौर बनाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। धन्यवाद। जी सर, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कैसे प्रेरित हुए, क्यों ऐसे आपने आवाज उठाने के लिए इन आंदोलनों में भागीदारी की? देखिए मैडम, क्या है, हम लोग सहारा इंडिया के फील्ड वर्कर थे, यानी जी एजेंट्स थे। जी हम लोगों ने अपने कोर्ट के अंतर्गत इस जिले में अपने जान परिचित जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार है, सास है, ससुर है, साला है, भाई है, भतीजा है, लड़का है, बहू है, सबके नाम का पैसा और खुद के नाम का पैसा भी सहारा में। आज मेरे परिवार का मैडम करीब 60 लाख के ऊपर नेट अमाउंट, यानी क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ जमा है। जी और आज अगर उसका विथ इंटरेस्ट काउंट करे तो वो 1.5 लाख 1.25 लाख के करीब जाता है, नहीं जी करोड़ के करीब जाता है। आज इतना सारा पैसा सहारा इंडिया में फंसा है और उसमें से करीब अभी 70-80 लाख की मैच्योरिटी हो चुकी है। जी और लगातार 2012 से सहारा इंडिया कोई ना कोई बहाना बनाते हुए और कोर्ट का, सेबी का उदाहरण देते हुए और भी कुछ कारण बताते हुए तारीख पे तारीख देते जा रहा है, पैसा हमें नहीं मिल रहा है। जी पैसे कौड़ी के बगैर दुनिया तो नहीं चल सकती, सब नाटक करना आता है मैडम, जी परंतु पैसे का नाटक नहीं करते आता। तो अभी आपको बताऊं, 8 जुलाई को मेरा भाई, मेरे से छोटा, जो सहारा इंडिया में एजेंट भी था गोंदिया ब्रांच में, उसकी डेथ हो गई, उसको कैंसर हो गया था। जी पैसे नहीं होने से अब मेरे पास भी पैसा नहीं, उसका भी पैसा सहारा में फंसा, सबका पैसा सहारा में फंसा हुआ था। हम उसका इलाज नहीं कर सके और 8 जुलाई को उसका देहांत हो गया। ऐसे सिचुएशन में हम सहारा के खिलाफ अगर बगावत नहीं करें, संघर्ष नहीं करें, तो क्या करें फिर? जी और आपको यह आगे बताना चाहूंगा, मेरे परिवार में हम चार भाई, चार भाई में इस सहारा की टेंशन की वजह से मुझे भी पैरालिसिस हो गया था। जी अभी ठीक हो गया हूँ, थोड़ा 100% तो नहीं, मगर कुछ ठीक हो गया हूँ। छोटा भाई एक खत्म हो गया, उससे थोड़ा बड़ा भाई जो है, नहीं उससे छोटा यानी तीसरे नंबर का भाई जो है, उसको भी पैरालिसिस हो गया टेंशन की वजह से। उस लड़की की शादी 2 साल पहले 3 साल पहले, शादी के लिए पैसे मांगने के लिए यहाँ सेक्टर कार्यालय में दोनों मियाँ बीवी आए। जी सेक्टर मैनेजर ने हाथ खड़े कर दिया, बोले मैं पैसे नहीं दे सकता, पैसे देने में असमर्थ हूँ। जैसी हमारे वो छोटे भाई की घरवाली ऑफिस के नीचे उतरी, ऑफिस के नीचे उतरने की उसको पैरालिसिस मार दिया। यानी आज मेरे परिवार में चार चार लोग अपाहिज हो गए सहारा के टेंशन की वजह से, दिसंबर 2020 में सहारा के टेंशन की वजह से, क्योंकि मेरा करोड़ों रुपया फंसा हुआ है यहाँ पे जी सहारा में। रात दिन नींद नहीं आती, चैन नहीं रहती, खाना पीना नहीं होता, तो जी उस टेंशन से मुझे पैरालिसिस का अटैक आ गया। इलाज पानी किए, लड़के बच्चे दौड़े, लड़के मेरे दो दोनों लड़के सर्विस में वो आए, दौड़े, उन्होंने दवा पानी किए, ठीक हो गया। आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, चलता फिरता, यानी मेरे को, मेरे जुबान के ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ था, ब्रेन के ऊपर भी असर नहीं हुआ था, पर लेफ्ट साइड में असर हुआ था। तुरंत इलाज होने जाने से मैं जल्दी से दुरुस्त हो गया और आज मेरा छोटा भाई एक्सपायर्ड हो गया, दूसरा छोटा भाई, उसको भी पैरालिसिस हो गया, उसके घर वाली को भी पैरालिसिस हो गया। जी उनके घर में बच्ची की शादी थी, बच्ची की शादी के लिए सहारा ने उनका पैसा नहीं दिया। जी अब अपना पैसा सहारा में जमा है और जमा पैसा जिसकी मैच्योरिटी भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी सहारा अगर भुगतान नहीं करता, तो हम अगर संघर्ष नहीं करें तो क्या करें फिर? जी जी आवाज तो उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, आपकी उम्र देखकर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आप कितने सालों से सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कब से सहारा इंडिया के साथ आपने काम करना शुरू किया, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। मैडम, मैं सहारा इंडिया में 2004 से कार्यरत हूँ एज जी ए एजेंट। उसके बाद में मैंने मेरे छोटे भाइयों को जोड़ा, दो को,
जी भतीजे लोगों को जोड़ा एज ए फील्ड वर्कर, जी और आज मेरे परिवार के कम से कम 8-10 लोगों का पैसा यहाँ सहारा में जमा है और 8-10 लोग एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं सहारा इंडिया में। तो सर कितने साल हो गए आपको आवाज उठाते हुए सहारा इंडिया के खिलाफ? सहारा के खिलाफ में आवाज उठाते हुए हम लोगों ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई मई 2019 से। जी 2019 से 2022 तक आपने आवाज उठाई है, तो कितना आपको परिणाम इसका देखने के लिए मिला है? कुछ भी नहीं परिणाम आया, जी कुछ भी, यानी एक पैसा भी सहारा से नहीं मिला। तो किस तरह से आप आवाज उठा रहे हैं, कैसे आपकी आवाज बुलंद होकर पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है और सहारा इंडिया के खिलाफ आप लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमारी आवाज तो हम शुरू में दो दो तीन साल तक लोकल लेवल पे आंदोलन और करस्पॉन्डेंस करते रहे। हमने प्राइम मिनिस्टर्स को करस्पॉन्डेंस किया, सीआरसी को करस्पॉन्डेंस किया, आरबीआई को करस्पॉन्डेंस किया, सेबी को भी करस्पॉन्डेंस किया, लोकल कलेक्टर, एसपी, आर्थिक उन्नयन शाखा, ईओडब्ल्यू जिसे बोलते हैं, उनसे भी करस्पॉन्डेंस किया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री उनसे भी हमने करस्पॉन्डेंस किया, उनसे प्रत्यक्ष से मुलाकात की, अपनी तकलीफें बताई। 8-10 लोगों का डेलीगेशन लेके गए थे हम लोग, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका आज तक। और अभी हम फिलहाल ऑल इंडिया लेवल के ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पदाधिकारी है, और अभी हम लखनऊ भी गए थे 28 मई को, 4, 5, 6, 7 अगस्त को दिल्ली भी गए थे, वहां भी आंदोलन में शरीक हुए। प्रयास हम पहले अपने लोकल लेवल पे किए, मगर आज ऑल इंडिया लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में भी हमें अपनी टीम जबरदस्त बनानी है, मुंबई में भी हमें टीम का फॉर्मेशन करना है, जल्दी हम मुंबई भी आएंगे। सर महाराष्ट्र में आपकी आवाज जितनी बुलंद हो रही है, उसके बाद आपने दिल्ली का रुख किया, लखनऊ में आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपके मोर्चे पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली में जो 3 दिवसीय आपका प्रदर्शन रहा, उसके बाद लखनऊ में, और इसके अलावा भी जो अलग अलग राज्यों में आप आंदोलन कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इन आंदोलनों में सुब्रत रॉय के ही कुछ आदमी शामिल है जो आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो तो करे मैडम, वो अपना प्रयास करते बैठे, मगर मेन चीज आज यहाँ पर यह है कि सरकार, हमारी सरकारें जो बनती है जनता के लिए बनती है, आम पब्लिक के लिए बनती है, और सहारा में या सहारा जैसे अन्य जितने भी चिटफंड कंपनियां है, ये सारी चिटफंड कंपनियों में देश का आम नागरिक, आम जनता उसमें फंसी हुई है, जुड़ी हुई है, उनका पैसा यहाँ लगाया गया है, और आज हजारों कंपनियों का पैसा उन निवेशकों को नहीं मिल रहा है। अब सरकार जो जनता के लिए काम करती है, जनता की सरकार है, और आज इतनी सारी जनता परेशानी में होने के बावजूद अगर सरकार ही जनता के समस्या के ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो अब इसके लिए तो कोई इलाज नहीं है। कैसे आपकी आवाज बुलंद होकर आगे पहुंच पाएगी? आपका कहना है कि सरकार आपका साथ नहीं दे पा रही है, तो कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेगी? नहीं, हम तो सरकार को ये चेतावनी देते हैं मैडम कि भी आपने अगर सहारा जैसी चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस नहीं दी होती, और सहारा इंडिया विगत 44-45 साल से भारत देश के अंतर्गत कार्य कर रही है, उसकी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, ये गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट को सारा खेल मालूम है 45 साल का सहारा इंडिया का क्या कर रही है करके, जी। और कितने लोग फंसे हुए हैं सहारा इंडिया में अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई जमा करके, ये सरकार सब जानती है। अगर सरकार लाइसेंस नहीं देती सहारा को, तो हम लोग सहारा में पैसे जमा नहीं करते, अन्य किसी भी चिटफंड कंपनी में पैसे जमा नहीं करते, निवेश नहीं करते, और आज इस बुरी तरह हम नहीं फंसते। आज हमारे ऊपर इतनी कठिन परिस्थितियां आ गई है कि हम अपना इलाज नहीं करा पाते, दवा पानी नहीं करा पाते, अभी हम बच्चों की शादियां करना रुक गया और बच्चों की पढ़ाई करवाना रुक गया, कहीं दाखिला नहीं दिला सकते उनको, तो इसमें ये हम तो देश के नागरिक है, सरकार के वोटर है हम लोग, सरकार अगर हमारी फिक्र नहीं करे, हमें हमारी चिंता न करे, तो सरकार है किसके लिए? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना पैसा लेती है, तनख्वाह लेती है, रात दिन ड्यूटी करती है, ये किसके लिए कर रही है? और इनको तनख्वाह जो मिल रहा है कौन दे रहा है? सरकार कोई अपने घर से दे रहा है क्या? आफ्टर ऑल ये हम वोटर, हम पब्लिक,
हम टैक्स पे करते हैं उसी में से तो ये लोग सारा अपना मौज कर रहे हैं ना, तो फिर इनका दायित्व तो नहीं बनता है कि ये लोग हमारे लिए कुछ करें। ये हमारे लिए कुछ करने के बजाय, अभी आपको जानकारी है कि कल परसों बस्ती में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला जी आंदोलन कर रहे थे। दिन में जब उन्होंने आंदोलन किया, उनके साथ हजार बाजार के संख्या में उनके अभिभावक थे या उनके चेले चपाटे थे या आंदोलनकारी थे, उस वक्त वहां के पुलिस ने उनको पकड़ के लेके जाने के, अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं दिखाई जी। और आधे रात को, रात के 2 बजे क्यों उनको अरेस्ट करके ले गई? तो ये इसका तात्पर्य यह है कि हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी सरकारें हमारे आम आदमी के पक्ष में कार्य नहीं कर रही है। आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी हमें जी। सरकार के खिलाफ, सहारा के खिलाफ भी जी। सर कहा जा रहा है कि आपका जो मोर्चा है वो केवल आंदोलनों पर ही डिपेंड करता है, कोई कानूनी कार्यवाही जो है आपके मोर्चे द्वारा सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया पर नहीं की जा रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम अभी आपको शायद जानकारी होगी, हिंदुस्तान में हजारों FIR इनके खिलाफ हो चुकी है। हम भी यहाँ गोंदिया के कलेक्टर, गोंदिया के SP इनके पास सितंबर 2019 से कंटिन्यू करस्पोंडेंस कर रहे, मैटर को बार बार परस्यू करते जा रहे हैं, मगर ये भी लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते उसके ओर। और FIR के लिए हमने बोला तो हमारे यहाँ के SP का कहना ऐसा था कि सहारा इंडिया की केस सुप्रीम कोर्ट में चालू है, अगर हम उनके खिलाफ में FIR करते हैं तो हमारी नौकरी चले जाएंगी, तो हम आपके लिए अपनी नौकरी गंवा दे क्या जी। और हिंदुस्तान में अन्य जगह पे FIR भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये सहारा के खिलाफ में FIR नहीं कर रहे, ये तो यानी भेदभाव वाली बात हो रही ना मैडम। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में सरकारें जनता के लिए है कि किसी ये कारपोरेट व्यक्तियों के लिए, पैसे वाले व्यक्तियों के लिए है? सर ये तो सवाल पैदा होता है ना सर, सत्ता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, सत्ता पर तंज कस रहे हैं, तो क्या विपक्ष के लोग आपके साथ खड़े हैं? क्या सहारा इंडिया के खिलाफ विपक्ष आपका साथ दे रही है? तकलीफ तो यही है मैडम जी, ना तो हमारे पक्ष में सत्ता पक्ष कुछ बात कर रहा है, ना ही विपक्ष सामने आ रहा है, ट्रेजेडी सी बात की है। क्या कारण मानते हैं कि विपक्ष आपका साथ नहीं दे रही है? देखिए मैडम, वोट तो मांगने के लिए हमारे पास सभी आएंगे जी, सत्ता पक्ष भी आएगा, विपक्ष भी आएगा, मगर आज हम जब विपदा में है तो ना सत्ता पक्ष आ रहा है हमारे फेवर में, ना ही विपक्ष आ रहा है जी। पर इनको हम सब वोटर मिल गए, अब तय तो कर लिए है कि अगर हमारा भुगतान नहीं होगा तो हम किसी भी पार्टी को इवन नोटा को भी वोटिंग नहीं मारेंगे और हम वोटिंग करने जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे। सारे जितने भी सहारा पीड़ित लोग है, सारे लोग हम इसके ऊपर ये बहिष्कार कर देंगे। लेकिन सर द न्यूज 15 की ओर से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका संवैधानिक अधिकार है वोट डालना, और वोट के बिना जो है आपका अधिकार आपका चीज आपसे चला जाएगा, तो आप वोट जरूर कीजिएगा। मैडम हमारा अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार जी, उसका महत्व हम अच्छी तरह जानते हैं जी, और आज तक हमने कभी भी वोटिंग का बहिष्कार नहीं किया, मगर आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जिन सरकारों को हम चुन के वहां पर बिठालते हैं, सेंट्रल में स्टेट में बिठालते हैं, और वही लोग अगर हमारे लिए कुछ नहीं करते, जिनको हम बड़े गर्व के साथ कहते कि हमारी सरकारें हैं, अब वो सरकारें ही अगर उनको लगता है कि हम उनके नहीं है तो वो भी हमारे नहीं है जी। और जब वो हमारे नहीं है तो वोटिंग, अब अधिकार भले ही हमें संविधान ने दिया है पर इनको वोटिंग करके करे क्या? जो निकम्मे लोग है, जो कोई काम के नहीं है, काम नहीं कर सकते, सभी पार्टी के लोग, तो ऐसे निकम्मे लोगों को चुन के लाने में क्या मतलब? उससे तो अच्छा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, ये सरकारें नहीं फालतू देश का पैसा बर्बाद कर रही, इनके पीछे कितना पैसा बर्बाद हो रहा है रोज देश का। सर अगला सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो वहां पर कितने निवेशक ऐसे हैं जो अपना पैसा सहारा इंडिया में फंसाए बैठे? अब महाराष्ट्र का तो पूरा आंकड़ा मेरे पास नहीं है मैडम जी, मगर हमारे गोंदिया जिले का कम से कम 50 से 60 लाख लोगों का, नहीं सॉरी 20 से 25 लाख लोगों का 50 से 60 करोड़ रुपया निवेशित है इस गोंदिया सेक्टर में, गोंदिया जिले में। और उस हिसाब से आज यहाँ पर 36 जिले है महाराष्ट्र में, 36 जिले का उस हिसाब से कैलकुलेशन करें
तो करीब 1800-2000 करोड़ रुपया के ऊपर निवेशित होना चाहिए। तो सर आपके आंदोलनों से क्या इन निवेशकों का पैसा वापस मिल पाएगा? कितना आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे? अब हम लोगों ने तो तय किया है कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब जी तक आंदोलन करते रहेंगे। क्या करेंगे, घर में बैठ के करेंगे क्या? हाथ में पैसा है नहीं, आज नौकरी चाकरी करने के योग्य है नहीं, धंधा पानी करने के योग्य है नहीं, कमाने के योग्य है नहीं, जी करेंगे क्या? बस हमारे सामने एक ही पर्याय है, आंदोलन करो, चाहे सरकार जेल में डाले, चाहे गोलियों से उड़ा दे, चाहे कुछ भी करे, मार भी ले, क्या करेंगे? घर में भी वैसे भी रोज रोज तिल तिल के मर रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक साथ आंदोलन करके मर जाए, या तो जेल में जेल की रोटी खाए, घर में जी तो खाने के वांधे पड़े हुए हैं, क्या करेंगे? तो सर परंतु क्या पैसा जब तक नहीं मिलेगा, पैसा जी जब तक नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा। जी तो सर क्या केवल आंदोलन के जरिए और FIR पर जो एक्शन नहीं हो रहा है, इसके जरिए ही आप अपनी आवाज को आगे बढ़ाकर अपने निवेशकों का पैसा वापस दिलवा पाएंगे? नहीं, हमारे दूसरे भी प्रयास चालू है मैडम। जी हम लोग कंज्यूमर फोरम में भी केस दायर कर चुके हैं, बहुत सारे केसेस के डिसीजन भी हमारे फेवर में आ चुके हैं, जी परंतु सरकार इस ओर भी ध्यान नहीं देती। देश की सरकार, देश की सुप्रीम कोर्ट या शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था क्या कर रही है आज, ये हम हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए असमंजस के बाहर की बात है। जी कंज्यूमर फोरम के ऊपर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, वहां पर जजेस बिठाए जाते हैं, वो जी जजेस अपना डिसीजन देते हैं, डिसीजन हमारे फेवर में आ रहा है, और डिसीजन आने के बावजूद भी सहारा जैसी संस्था अगर उसको नहीं मान रही है, उसका पेमेंट नहीं कर रही, तो ये सरकारें सहारा के खिलाफ में आवाज क्यों नहीं उठाती? ये तो बड़ा गंभीर मामला हो रहा है ना। तो सर आगे की क्या रणनीति होने वाली है आपके मोर्चे की? रणनीति तो हम ऑल इंडिया लेवल पे हमारा आंदोलन और भयानक करेंगे और जोरों से करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर Daniel 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लेकर मैं आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा Daniel 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।